वेलकम टू माय चैनल मल्टीग्रेशन में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? ये देखिए आपके लिए को नया डिज़ाइन लाई हूँ, दो कलर से बना हुआ है। ये स्टार्टिंग में यहाँ पे दो फंदे रखने हैं और ये 14 फंदों की ये बॉक्स बनेगा ये, और बीच में चार फंदे। आप यहाँ पे तो दो भी रख सकते हैं। चलिए मैं आपको बनाना बताती हूँ। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले हमें दो फंदे हमने येलो कलर से ले लेने, ये दो फंदे हमारे येलो कलर के आ गए। फिर उसके बाद हमें ये दो कलर हमने ये पर्पल कलर से लेने, दो फंदे नहीं, ये पूरे हमने ये 14 फंदे हमने पर्पल कलर से बनाने हैं सीधे में। ये देखिए दो फंदे हमने पीले कलर से बना लिए और ये हमने आगे 14 फंदे पर्पल कलर से बनाने। 4, ये 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 कलर, 14 हो गए। ये येलो है ना, अभी बीच वाले हमने चार फंदे पीले ले लिए। ये चार फंदे बीच में हमने पीले ले लिए। आप चाहे तो यहाँ पे दो भी रख सकते हैं, मतलब ये जो एक एक बॉक्स बना है इसके इसके बीच का गैप आप दो भी रख सकते हैं। और ये आगे फिर से हमने पर्पल लेने, 1, 2, 3, 4 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये 14 और ये हमने दो लास्ट में ये हमने ऐसे बने। ठीक है, ये दो बॉक्स बनेंगे और जो उसकी रॉन्ग साइड है वो सारे उल्टा ही बनेगा, जैसे कि दो येलो ये उल्टा ही बनाएगा, इससे रॉन्ग साइड हम बनाते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई, ये हमारी थर्ड रो, रॉन्ग साइड हमारी रॉन्ग ही आएगी। चलिए इसे हम आगे बनाते हैं। ऐसे दो तो साइड वाला येलो कलर है, उसे येलो बनाना है, उसको येलो धागे से बना लेंगे। और ये दो कलर हमने पर्पल से बनाने हैं दो फंदे, और ये वाले हमने येलो से बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको भी साथ में आगे लेके आ जाना ताकि ये सात, 8, 9, 10 और ये वाले दो हमारे पर्पल से। ठीक है, ये हमारी थर्ड रो है, इसे ध्यान से देखना, बिना स्किप करके देखना, ये फिर समझ आएगा ये। और इसको एंड तक ज़रूर वॉच करना। मेरे चैनल पे जो नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट भी करना ज़रूर, लाइक करना। ये हमारे दो फंदे पर्पल, इसे ध्यान से देखोगे तभी समझ आएगा, अगर स्किप करके देखोगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा ये। ये हमने 10 फंदे हमारे यहाँ पे येलो कलर से आ जाएंगे और ये जो लास्ट वाले दो पर्पल हैं इसके बीच में जो बॉक्स के, उसे हम पर्पल बना लेंगे। और ये दो लास्ट वाले येलो, ये देखिए ऐसे बनेगा। और जो हमारी रॉन्ग साइड आएगी वो सारी रॉन्ग ही आएगी। ये हमारी फिफ्थ रो आ गई है, इसमें हमने क्या करना है, ये जो दो फंदे ये तो पर्पल चलते रहेंगे और ये लास्ट वाले भी हमने जो फर्स्ट वाले जो हैं ये भी येलो के येलो ही बना लेंगे।
और ये जो पर्पल से बनाए हैं ये दो फंदे हमने पर्पल से बना लिए। अब ये जो दो फंदे हैं इनको हमने दो येलो, और ये जो बीच वाले हैं छह फंदे हमने पर्पल से बना लेने हैं। तीन चार पाँच और ये छह फंदे, और ये फिर से दो फंदे हैं येलो। ध्यान से देखना तभी आपको समझ आएगा, ये बहुत ही सुंदर डिजाइन है। ये बच्चों की स्वेटर पे ट्राई करना, बड़ों के भी बना सकते हैं ऐसे नीचे नीचे बॉर्डर लाइन के जैसे, और बच्चों के स्वेटर में तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये। बहुत ही आसान है, इसमें नहीं तो कई डिज़ाइन में रॉन्ग साइड में भी आता है डिज़ाइन, लेकिन इसमें हमारा रॉन्ग साइड हमारी रॉन्ग है, उसे हमने रॉन्ग से मतलब कि वहाँ से गुंती नहीं डलेगी। छह फंदे और ये दो फंदे, ये फिर से ये देखिए, और रॉन्ग में जो जैसे दिख रहा है वैसे इसे हमें बना लेंगे। रॉन्ग साइड हमारी रॉन्ग साइड रॉन्ग बनेंगे सर। अभी हमारी यहाँ पे सेवंथ रो आएगी, सेवंथ रो भी ऐसे रिपीट होएगी जैसे हमारी फिफ्थ रो थी, फिफ्थ रो के जैसे ही इसे रिपीट करना है। सेवंथ और एट्थ रो बनाने के बाद फिर से हम आपको बताते हैं। अभी हमारी सेवंथ और एट्थ रो ख़त्म हो गई है, और हमारी नाइन्थ रो है। नाइन्थ रो भी हमारी ऐसे होएगी जैसे हमारी थर्ड और फोर्थ रो थी, हमारी ये वाला बनेगा अभी। ये हमारे दो फंदे येलो कलर से, दो पर्पल, और ये हमारा ये पूरा फिर से येलो जैसे हमारा नीचे आया था। ये हमारे सारे येलो कलर से आएंगे। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, इसे ट्राई ज़रूर करना, और हाँ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। अपनी तरफ से तो खूब कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से समझा सकूँ, बता सकूँ, नए नए डिजाइन लेके आऊँ। और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए मेरे चैनल को ग्रो करने में। अगर इसे बीच में से देखोगे तो फिर बिल्कुल समझ नहीं आएगा, स्टार्टिंग से एंड तक वॉच करना। अरे रॉन्ग साइड हमारी रॉन्ग आएगी सारी, जो जैसे दिख रहा है दो येलो दो पर्पल, और ये येलो पीछे से सेम ऐसे ही आएगा जैसे कि हमने आगे से बनाया है। रॉन्ग साइड एक बना के बता देती हूँ आपको, देखो जैसे हमें येलो कलर दिख रहा है तो हमने येलो ही बना देना, ऐसे उल्टे है ना, तो रॉन्ग साइड हमने उल्टा ही बनाना है। जैसे ये आगे दो पर्पल, ऐसे पर्पल बना देंगे। अब ये सारा हमें येलो कलर दिख रहा है तो येलो से ही बना देंगे, मतलब जो जैसे दिख रहा है वैसे ही आएगा ये। ये देखिए अभी जो पर्पल है ऐसे हम पर्पल बना लेंगे, ठीक है। ये ऐसे हमने सारी रॉन्ग साइड। अब ये हमारी इलेवेंथ रो है,
11th रो हमारी ऐसे ही बनेगी जैसे हमारी फर्स्ट रो थी ना, बस वैसे ही बनेगी ये सेम, वैसे वैसे आ जाएगा पर्पल। ये मतलब बॉक्स बंद होना है ना यहाँ पे, तो ये हमने सारी ऐसे ही बनेगी। ये फर्स्ट हमारा ये आ गया, मतलब कि ये 12 सिलाइयों कट जाए बन के तैयार हो जाता है। और ये 14-14 के फंदे डालने हैं, बीच में 4 फंदों का गैप डालना है। ये सारा हमारा पर्पल आ जाएगा। इस धागे को येलो को साथ ही रखना है ताकि ये देखिए बहुत ही आसान है। ज़रूर ट्राई करना और हमें ज़रूर बताना आपको पसंद आया कि नहीं आया, बना के देखना इसे ज़रूर, बहुत ही अच्छा सुंदर बनेगा ये। ट्राई करना इसे बच्चों के स्वेटर पे और बड़ों के भी स्वेटर पे बना सकते हैं ऐसे नीचे एज ए बॉर्डर लाइन, बॉर्डर के ऊपर और बाकी ऊपर अलग से प्लेन। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये इसे हमने पर्पल कलर से बनाना था, सारा पर्पल आया। ये देखिए ये बनके तैयार हो गया हमारा डिज़ाइन, कितना सुंदर लग रहा है। आप जिस मर्जी कंट्रास्ट में बना सकते हैं, देखो मस्टर्ड और पर्पल है, ये देखिए दोनों कंट्रास्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप अपनी चॉइस से जो मर्जी बना सकती हैं देखिए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और एंड तक वॉच ज़रूर करना। ओके बाय, थैंक्स।